दीर्घ दुई वर्ष कोरोना कटकणा परे ए चलित वर्ष अलारनाथक अनवसर दर्शन चलछि। भोर चारिटार द्वार फिटिबा परे शह शह भक्त मंदिर भितर को प्रवेश करछन्ति, प्रभु अलारनाथ को दर्शन करछन्ति। आपण मध्ये जानिथेबे जेते बे गतकाली स्नान बेदी उपरे रत्नबेदी छाड़ी स्नान बेदी उपरे चतुर्धा विग्रह विजय करथिले श्रीमंदिरे, तापरे 108 सुभाषित जलरे मध्ये महाप्रभु स्नान करिबा परे केउटना केउठी महाप्रभु कबे विश्वन जर होइछि। महाप्रभु को अनवसर पिंडे गुप्त नीति चलीछि। एही सबरे जेतु रत्न सिंहासनरे मध्ये केउटना केउठी पट्टिदियो पूजा पाइतांति, श्रीमंदिर जगन्नाथ को दर्शन पाइबार भक्त वंचित होइतांति। ब्रह्म श्रीक्षेत्र शिवारूपी जगन्नाथ को छाड़ी एटी क्षमा करेंगे जगन्नाथ मंदिर केउटना केउठी दारूरूपी को जगन्नाथ को दर्शन न पाई ब्रह्मगिरी स्थित शिवारूपी अलारनाथ को दर्शन कर भक्त मैंने कोटि पुण्य अर्जन करते विश्वास भक्त मन रही। आम अच्छु अलारनाथ परिसर में आप देखुते चित्र लंबा लाइन में भक्त मैंने आउ गोटे चित्र हूँ कोणास अंचल आसी जन भक्त जे कि प्रभु अलारनाथों पर ब्रह्म कमल फूल धरी आसप्रभु पाखे ब्रह्म कमल फूल लगे और गोटे पूजा अर्चना रही आलोचना करवा निज बाड़ कमल ब्रह्म कमल फूल धरिकी आस अलारनाथ पीठ में पहुंचती। आज्ञा ए फूल धरिकी आप क्यों जगार आसी प्रथम परिचय और केते वर्ष एमती प्रत्येक वर्ष आप आसती आज नुआ कर अलारनाथ मंदिर को मो घर कोणास विश्वाली पड़ा ना उमाकांत मिश्र मोर प्रथम फूल फुटी सात वर्ष ते न्यू 7 जाकर आनी मु प्रति वर्ष फूल नहीं आसे। ए वर्ष सौभाग्य विषय गत काली सान पूर्णमी फूल पड़ी था जगन्नाथ को सान बेदी में फूल नहीं थी आज अलारनाथ देखिए फूल नहीं आसी आज 9 फूल नहीं कोणासुर आसे रात्रि भी बाइक आसिक दिए या काली तोड़ फ्रिज रखिले सका निश्चित भाव में ब्रह्म कमल फूल धरिकी जन भक्त आसव में कमलाकांत आम जाना बास्तव में अन्नवसर दर्शन ठीक कौन हो यार परंपरा कौन महत्व कौन या इतिहास कौन कहे कारण इतिहास अनेक किंबदंती रही परवर्त समय अलारनाथ पीठ से गोटे बड़ परंपरा बा जो खीरी परंपरा गोटे थाए से विषय में सेवायत अच्छा आलोचना करवा कितु प्रथमतः ये जो अलारनाथ अनवसर दर्शन कौन केमी परंपरा के आरंभ होगा से विषय जाना। आज्ञा अनवसर दर्शन आम देखिले रत्न सिंहासन में पट्टिदियों पूजा पाँच आजिका दिन पट्टिदियों पूजा पाए पखापाखि 15 दिन धरिकी प्रभु जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा सुदर्शन अनवसर पिंडे गुप्त तो सेवा चली भीषण जोर में ए महाप्रभु अच्छा समय अलारनाथ को दर्शन ये परंपरा के आरंभ ये परंपरा केतक गवेषक 1510 भगवान श्री चैतन्य समय कहते कि तार बहु पूर्व आलमुंदाचार्य समय ये परंपरा अच्छा आदिओ समस्त कथा को आम समर्थन करवा 1510 मसीह जो भगवान श्री चैतन्य श्रीक्षेत्र पदार्पण करती ठीक ये अन्नवसर समय भगवान स्नान बेदुरु अणसर ताटी को जाती यही समय श्रीचैतन्य दर्शन पाई सिंहद्वार पाखे प्रवेश हेले किंतु समस्त सेवक सामंत मैंने मना कले भगवान को ज्वर तुमको दर्शन मिलना चैतन्य मन गोटे सन्देह आसला सकल रोग औषध सकल व्याधि जे व्याधि सकल व्याधि जे मौषधी पुणी ज्वर हो सब मनगढ़ा कथा यह भाविकी जड़े भक्त निजे भगवान भक्त रूप से आणु श्री चैतन्य आत्मविसर्जन करने समुद्र को जाती जो जाती भगवान जगन्नाथ निर्देश हुए वीर मशाणिया मशाणिया महावीर जाए बाटटी भूलदेले समुद्र पटु कौन जीवे से ब्रह्मगिरी पट को बुलेदेले जो सका पाई आस देखिले सूर्य पछपटे समुद्र पटे सूर्य उमा कथा आश्चर्य हेले देखला बेलू से बेलबहुल कुंजरे भगवान अलारनाथ ठिया से कहले आज जो भक्त मैंने मोर श्रीक्षेत्र दर्शन पाना से भक्त माने अनवसर समय रे मोर दर्शन अलारनाथ दर्शन जीए करिवो मो दर्शन फल पाइब तेणु वर्षक दर्शन जगतनाथ अन्नवसर रे अलारनाथ तेणु ब्रह्म नारायण ब्रह्मगिरी शांत निश्चित भाव परंपरा समय परवर्त समय आलोचना करवा कितु कमलाकांत प्रभु अलारनाथ को दर्शन करवा जी पुण्य प्रभु अलारनाथ खीरी खाइबा से पुण्य खीरी विषय आलोचना करवा कौन ये महत्व कौन खीरीर किंबदंती रही बास्तव में अलारनाथ पीठ जी आसी था से आशा रखी था महाप्रभु खीरी खाइब ये खीरीर परंपरा कौन खीरीर परंपरा आज ना खीरीर परंपरा ये प्राय मानने मधुसूदन का चली आसी जितने 12 वर्ष बालक मधुसूदन ठाकुर को खीरी अर्पण कर ठाकुर बहुत भाव बेलर खीरीता खीरी ग्रहण करी आज भी आप देखिपारे महाप्रभु चक्र हाथ में खीरिकिया फटका चिन्ह रही अच्छी जगन्नाथ को जो 15 दिन ज्वर हुए ज्वर समय महाप्रभु महाप्रसाद ग्रहण करती ना से समय महाप्रभु गरम गरम खीरी भोग खाइले
କ୍ଷୀରି ଭୋଗ ଖାଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶରୀର ସୁସ୍ଥ ହୁଏ ଆଉ ଏଠି ଯାଇକି ରଥଯାତ୍ରା କରନ୍ତି ପୁରୀରେ ଯାଇକି ରଥଯାତ୍ରା କରନ୍ତି ତ ବାସ୍ତବ ଇଏ ହେଉଛି କବାକାନ୍ତ ପରମ୍ପରା ଆଉ ଇଏ ହେଉଛି କ୍ଷୀରିର ପରମ୍ପରା ଆଲୋଚନା କରିବା ଭକ୍ତମାନେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି କାରଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଲମ୍ବା ଲାଇନ୍ ଲାଗିଛି ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଚନ୍ଦନ ପୋଖରୀ ଠାରୁ ମନ୍ଦିର ଦେଇକି ମଧ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର ଦେଇକି ମଧ୍ୟ ଭକ୍ତମାନେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆପଣ କେଉଁ ଜାଗାରୁ ଆସିଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଅଲାରନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବେ କେତେ ଆଉ କେତେ ସମୟ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଲାଗୁଛନ୍ତି ଦର୍ଶନ କରିବେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବେ ଦର୍ଶନ କରିବେ କେତେ ସମୟ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ମିନିମମ୍ 45 ମିନିଟ୍ ତ 2 ବର୍ଷ ପରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବେ କେତେ ଖୁସି ବହୁତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅନ୍ୟ ଭକ୍ତମାନେ କବାକାନ୍ତ ଅଛନ୍ତି ଆଲୋଚନା କରିବା କାରଣ ଯେଉଁ ଦୀର୍ଘ 2 ବର୍ଷ ପରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି ଅତି ନିକଟରୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସ୍ପର୍ଶ କରି ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି ଭକ୍ତମାନେ ତେବେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଇଏ ଗୋଟିଏ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ଭକ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଯେଉଁ ଆଶା ଥିଲା ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା କି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ 2 ବର୍ଷ ପରେ ହୁଏତ ଦର୍ଶନର ସୁଯୋଗ ମିଳିବ ସିଏ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଅତି ନିକଟରୁ ଦର୍ଶନ କରି ଭକ୍ତମାନେ ମଧ୍ୟ କୃତାର୍ଥ ମନୁଛନ୍ତି କାରଣ 2 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନର ସୁଯୋଗ ମିଳିନଥିଲା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କେତେ ସମୟ ହେଲା ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ କେତେ ସମୟ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ଆପଣ ଲାଇନ୍ରେ 15 ମିନିଟ୍ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ 2 ବର୍ଷ ପରେ ଦର୍ଶନ କରିବେ ଖୁସି କେତେ ଅଛନ୍ତି ଦେଖୁଥିଲେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଭକ୍ତଙ୍କର କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରିକି ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ କାରଣ ଆମେ ଯାହା ପ୍ରଶାସନ ଏଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛି ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ମୁତୟନ ହୋଇଛନ୍ତି କିଭଳି ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ସହ ଭକ୍ତମାନେ ଦର୍ଶନ କରିବେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଏବଂ ପୁରା CCTV ନଜର ଭିତରେ ମନ୍ଦିର ରହିଛି କାରଣ ଅପ୍ରୀତିକର ପରିସ୍ଥିତି ପୂର୍ବରୁ ଘଟିଛି ଯେଉଁଟାକି ନଜର ରହିଛି ତେବେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି CCTV ନଜର ଭିତରେ ରହିଛି ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀମାନେ ପଇଁତରା ମାରୁଛନ୍ତି ପୋଲିସ ପୁରା ଛାଉଣି ରହିଛି ମନ୍ଦିରରେ ଆଉ କିଛି ସମୟ ଅର୍ଥାତ୍ ଦିନ ଗୋଟାଏ ଭିତରେ ଯାହା ନୀତିକାନ୍ତି ଅନୁସାରେ ଦିନ ଗୋଟାଏ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରସାଦ ବାହାରିବ ତାପରେ କ୍ଷୀରି ଭୋଗ ଯେଉଁ କ୍ଷୀରି ଭୋଗରେ କି ଅନେକ ମହାତ୍ମା